नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजार का में चर्चा होने जा रही है एक बार फिर से कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी बंदी नजर आ रही है और ये जो नया कोरोना का वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसका असर कम्युनिटी के बाजार पर कितना देखने को मिल सकता है। जनरल बिजनेस जो ट्रेडिंग होती है, मार्केटिंग होती है, मंडियों में आवाजाही होती है, लेन देन होता है, उसका असर इन सब पर कितना देखने को मिल सकता है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले कैसे सीड से। रूपा जी देख रहे हैं कैसे सीड का दिसंबर वायदा 6460 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। आज कुछ कैसे सीड में कल के मुकाबले हल्की बढ़त बनती नजर आ रही है, आपको क्या लगता है, क्या कैसे सीड में आज 6480 तक के भी लेवल्स इंटरडे में देखने को मिल पाएंगे? देखिए कैसे सीड में बिल्कुल 6480 का लेवल तो एक्सपेक्टेड है कि इंटरडे में देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी 6460 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और जो अगर जनवरी वायदा देखे तो वो 6520 के ऊपर आज निकल सकता है जिस तरीके का अपसाइड आज दिखाई दे रहा है। तो दिसंबर और जनवरी दोनों ही वायदा के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम आज इंटरडे में देखने को मिल सकता है। जी, अगर आज कैसे सीड वायदा बाजार 6500 के ऊपर के लेवल दिखा देता है, हालांकि दिसंबर की तो एक्सपायरी है, लेकिन अगर जनवरी वायदा में 6500 के ऊपर लेवल्स देखने को मिल जाते हैं तो क्या मान लिया जाए कि कैसे सीड अब अच्छी तेजी के लिए तैयार है? देखिए 6600 के ऊपर हम इसको समझ सकते हैं कि तेजी बन सकती है। जनवरी वायदा में 6600 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तभी इसमें अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, बात करें अगर बिनौला खल की तो बिनौला खल का दिसंबर वायदा देख रहे हैं 2739 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, आधे फीसदी की तेजी है। रूपा जी, बिनौला खल को हमने फिर से 2600 तक जाते हुए देखा था, बाजार टूटता नजर आया था, कल को सारी एग्री कमोडिटी लाल निशान पर देखने को मिली थी जिसमें बिनौला खल भी शामिल था, लेकिन एक बार फिर से देख रहे हैं बिनौला खल में तेजी बनती नजर आ रही है, 2700 के ऊपर ट्रेड होता नजर आ रहा है, सस्टेन होकर चल रहा है, आपको क्या लगता है, क्या ये कारोबारी सप्ताह अंत होते होते बिनौला खल 2800 का भी लेवल ब्रेक कर पाएगा? देखिए उम्मीद है, कल देखिए जिस तरीके से कल बाजारों में करेक्शन आई थी, कल हमने फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव मोमेंटम देखा लेकिन सेकेंड हाफ में आई एक बार प्रेशर जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद आज जब बाजार खुले फिर से पॉजिटिव रुझान है और एक तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और दिसंबर वायदा भी अभी ऊपरी स्तरों पर ही एक्सपेक्टेड है कि जा सकता है 2760 तक ऊपर जा सकता है 2760-2780 और जबकि जनवरी वायदा में लग रहा है कि 2800 का स्तर संभव है कि देखने को मिल सकता है। जी ये रूपा जी, नजर डाले अगर मसालों की तरफ तो देख रहे हैं कि धनिया का दिसंबर वायदा 8510 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, आधे फीसदी की करेक्शन है। रूपा जी, कहां हमने धनिया की कीमतों को 9100 के ऊपर जाते हुए देखा था और अब देख रहे हैं कि कल के मुकाबले आज और ज्यादा जो गिरावट है वो गहरा गई है, 8500 के सपोर्ट पर आ चुका है, आपको क्या लगता है, क्या यहां से धनिया में अभी और गिरावट बन सकती है या फिर यहां से सपोर्ट बन जाएगा कीमतों को? देखिए धनिया के अंदर अभी फिलहाल यहाँ पर जो लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो 8500 से लेकर नीचे में हो सकता है आपको 8200 तक भी लुढ़कता हुआ दिखाई दे उसके स्तरों पर, क्योंकि देखिए कोरोना का जो ये इम्पैक्ट है वो सभी कहीं ना कहीं पैनिक स्थिति क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है और जो लोग हैं जिनके पास माल रखा हुआ है वो अब इन स्तरों पर माल निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से ऊपरी स्तरों पर दबाव बन रहा है। तो अभी फिलहाल जो है वो रेंज बाउंड हो सकता है कि आपको मसालों के अंदर देखने को मिले, जो एक्सपोर्ट डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अब कम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। दूसरा एक्सपायरी भी है डोमेस्टिक मार्केट में, इस वजह से बाजारों में करेक्शन का माहौल बना रह सकता है और धनिया नीचे में दिसंबर वायदा 8400 से 8200 तक जा सकता है जबकि जनवरी वायदा 8400 तक लुढ़क सकता है। जी, तो यानी कि जैसे कि रूपा जी ने बताया कि ओमिक्रॉन के नए जो ओमिक्रॉन नया आया कोरोना का उसकी जो खबरें निकल के सामने आ रही है तो ऊपरी स्तर से बिकवाल देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से आज धनिया की कीमतों में नरमी दर्ज की जा रही है। रूपा जी, बात करें अगर जीरे की तो देख रहे हैं दिसंबर वायदा 5955 में ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, कल के मुकाबले देख रहे हैं कि जीरा धीरे धीरे रिकवरी की ओर बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है, क्या आज इंटरडे में जीरा 16000 का लेवल क्रॉस करने में कामयाब हो पाएगा? देखिए अभी थोड़ा सा पॉजिटिव तो दिख रहा है आज का मार्केट, आज एक बार मार्केट में वापस से खरीदारी देखने को मिल रही है मसालों के अंदर, कल की करेक्शन के बाद वापस से मूवमेंट आया है तो डेफिनेटली 16000-16080 तक एक बार ऊपर में बाजार जाता हुआ दिखाई दे सकता जी। ये रूपा जी, बात करें अगर हल्दी की तो हल्दी भी देख रहे हैं एक बार फिर से 7500 के ऊपर ट्रेड करती नजर आ रही है, आपको क्या लगता है, क्या आज इंटरडे में 7600 के भी लेवल एक बार फिर से देखने को मिल पाएंगे?
ये एक्सपेक्टेड है कि आज मसालों में तेजी बन सकती है और उसके चलते हल्दी में भी 7600 का लेवल हो सकता है कि आज आपको इंट्राडे में देखने को मिल जाए। जी रूपा जी, देख रहे हैं यहाँ से ग्वार गम और ग्वार सीड आज भी नरमी के साथ ही ट्रेड होते नजर आ रहे हैं, हालांकि हरे निशान पर हैं, कल के मुकाबले कुछ लेवल्स हल्के बड़े हैं लेकिन लेवल्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं। देख रहे हैं यहाँ पे ग्वार गम का दिसंबर वायदा 10,325 पर ट्रेड कर रहा है और ग्वार सीड का दिसंबर वायदा 5,874 पर। रूपा जी आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से ग्वार गम और ग्वार सीड अभी और लुढ़कते नजर आ सकते हैं या फिर हमने जो आज ही हल्की फुल्की रिकवरी देखी है ये रिकवरी अब धीरे धीरे तेजी की ओर जाएगी, आपको क्या लगता है? ग्वार गम और ग्वार सीड अभी फिलहाल दबाव दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये दबाव फिलहाल बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। जी इसी रूप जी बात करेंगे सोयाबीन के, सोयाबीन में आपको क्या लग रहा है, देख रहे हैं कि 6,175 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है सोयाबीन। देखिए सोयाबीन में यहाँ से अखिलेश पर गिरावट जो है और बढ़ सकती है, कल के 6% के सर्किट के बाद आज भी 1.5% बाजार लुढ़का हुआ है और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक बार करेक्शन जो है वो बढ़ सकती है और नीचे में 6,000 पर सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, सोयाबीन में हमने सिर्फ उत्पादन के आंकड़े ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसा नेगेटिव फंडामेंटल है जो सोयाबीन की कीमतों को नीचे लेके जा सकता है, लेकिन वो भी बारिश की वजह से कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है वो इम्पैक्ट करता नजर आ सकता है। ऐसे में आपको क्या लगता है सोयाबीन में, क्योंकि हाजिर बाजारों में तो ऊंची कीमतें देखने को मिल चुकी है, 8,000 तक भाव जा चुका है सोयाबीन का, तो आपके अकॉर्डिंग वायदा में ऐसा कौन सा फंडामेंटल बनता नजर आ रहा है जो सोयाबीन को गिरावट की ओर लेके जा रहा है? देखिए अभी जो बाजारों के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, जैसा कि मैंने बताया कि अभी जो ये कोरोना का इम्पैक्ट है इस वजह से पैनिक है मार्केट के अंदर और इस वजह से ऊपरी स्तरों पर दबाव जो है वो गहराता हुआ दिखाई दे रहा है और सोयाबीन की कीमतें हमने अभी पीछे जो तेजी आते हुए देखी थी कंटिन्यूशन में मार्केट ऊपर गया था और वहां से एक करेक्शन भी ड्यू थी कि वो देखने को मिल सकती है। तो 6,000 जैसा कि मुझे लग रहा है कि 6,000 के आसपास वापिस से एक बार सपोर्ट ले सकता है मार्केट, थोड़ा बहुत करेक्शन और बढ़ सकता है, लेकिन अब जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है अगर ये कोरोना का वेरिएंट बढ़ता है तो वापस से मुझे लगता है कि कीमतों के अंदर उछाल बनता हुआ दिखाई दे सकता है, एक बार फिर से जो खाने पीने की चीजें हैं उनके दाम बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, मोनू जैन जी हैं, लक्ष्मण राम जी हैं, जिनका सवाल सरसों को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं सरसों में क्या करके चलना सही रहेगा, क्या जो सरसों बची हुई है उसको अभी ऊंची कीमतों पर बिकवाली कर दें या फिर अभी भी होल्ड करके चलें, क्या सरसों में आगे तेजी देखने को और मिल सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बुआई 1 महीना लेट हुई थी जिसकी वजह से जो अराइवल्स हैं वो भी लगभग 1 महीना लेट ही आएंगे। देखिए बिल्कुल अराइवल्स लेट है लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि प्रोडक्शन अच्छा खासा हो सकता है, तो इसलिए जो ऊपरी स्तर मिल रहे हैं मुझे लगता है कि धीरे धीरे लिक्विडेट की तरफ जाना चाहिए और जो माल रखा है उसको निकालने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही अराइवल्स का प्रेशर आएगा तो कीमतें वापस से नीचे लुढ़कती हुई दिखाई दे सकती है और अभी बाजार ऊपरी स्तरों पर अगर सस्टेन कर रहा है और आपको अगर फिजिकल में आपको अच्छा भाव मिल रहा है तो डेफिनेटली कुछ कुछ माल निकालते रहना चाहिए और अराइवल आने से पहले आपको माल को लिक्विडेट कर देना चाहिए। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, भाडर गोडारा जी, जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है, इनका सवाल है कि कोरोना का असर बिनौला खल पर कितना देखने को पड़ेगा और कितना नीचे जा सकता है और क्या अच्छा लेवल रहेगा बिनौला खल में इस समय खरीदारी करके चलने का? देखिए कल भी शायद इनका यही सवाल था और हमने कल भी बताया था कि जो नीचे लेवल्स मिले आप वहां पर खरीदारी कीजिए, इसमें पॉजिटिव है, अभी कोई मंदी का माहौल नहीं है और अब कल हमने करेक्शन भी देखी थी तो वो लेवल्स काफी अट्रैक्टिव थे 2700 के नीचे जब बाजार गया था बाइंग के लिए, क्योंकि अभी यहाँ से 2800 से लेकर 3000 का स्तर संभव है कि हमें जनवरी या फरवरी वायदा में देखने को मिल सकता है, तो मुझे लगता है कि जो भी प्रेशर आता है अगर 2700 के नीचे एक बार फिर से भाव लुढ़कते हैं तो वहां पर आपको बाइंग की स्ट्रेटेजी बनाकर चलना चाहिए। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं मंगल प्रजापत जी, जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि पहले हमने सोयाबीन को 6,900 के ऊपर भी ट्रेड करते देखा था, अच्छी तेजी रही थी उस समय, तो काफ़ी अपर लेवल्स थे बाइंग के लिए, निचले लेवल्स का जैसा आप हमेशा बताते हैं कि निचले लेवल्स पर खरीदारी करनी चाहिए, तो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अब ये जो सोयाबीन के निचले स्तर देखने को मिल रहे हैं क्या ये अच्छे लेवल्स हैं सोयाबीन में खरीदारी करने के, क्या यहाँ से तेजी बन सकती है या फिर थोड़ा और रुक जाए सोयाबीन में खरीदारी के लिए?
देखिए अभी 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन वेट कीजिए सोयाबीन के अंदर, क्योंकि कल भी अच्छा करेक्शन था, आज भी करेक्शन है, थोड़ा सा स्टिल वेट कर सकते हैं। अगर देखिए 6,000 का सपोर्ट है, अगर उसको ब्रेक नहीं करता तो वापस से मार्केट अपसाइड में जा सकता है, और अगर 6,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो 5,800 तक नीचे लुढ़क सकता है, तो वो लेवल्स अट्रैक्टिव हो सकते हैं बाइंग के लिए। तो अभी मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए जी। रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं नमन जैन जी, जिनका सवाल धनी को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि धनिए के अगले 15 दिनों तक क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? देखिए अभी 9,000 से 9,200 का लेवल है, वहां तक एक बार मार्केट सस्टेन करता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले 15 दिनों। जी रूपा जी, दर्शक हैं हसमुख आहिर जी, जिनका सवाल कपास को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कपास में आगे कब तेजी आएगी? अब देखिए कपास में अभी थोड़ा बहुत मार्केट जो है दिसंबर महीना अगर पकड़ ली, पीक तेजी पकड़ लिया तो मार्केट तेजी में जा सकता है। अदरवाइज अब जो ये है इनके जो कपास में लेवल देखने को मिल रहे हैं 8,500-8,700 के, यहीं पर मार्केट सस्टेन करता हुआ दिखाई दे सकता है। एक उछाल जरूर एक्सपेक्टेड है कि 9,000-9,200 तक एक बार ऊपर में वापस से टच हो सकता है, तो उस टाइम मार्केट से माल को निकालने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसमें अब करेक्शन आना तय है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाजार जो है यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी के बाद थोड़ा सा अपसाइड जाएगा और उसके बाद करेक्शन में जा सकता है। तो अभी फ्रेश बाइंग नहीं लेनी, जिनके पास रखा है वो थोड़ा सा वेट करें, जैसे ही बाउंस बैक आता है वहां पर धीरे धीरे अपने माल को निकालने की कोशिश करें। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल धनिए को लेकर है, ये जानना चाह रहे हैं कि जो गिरावट है धनिए में, क्या अभी ये और ज्यादा गहरा सकती है, और क्या फिर जब और ज्यादा गहराएगी फिर वहां पे खरीदारी करके चला जाए? देखिए बिल्कुल अभी 8,200 का लेवल एक्सपेक्टेड है, नीचे में 8,200 के आसपास आता है तो वहां पर 8,000 के स्टॉप लॉस के साथ कुछ एक माल जो है वो बाइंग में लिया जा सकता है, और वापस 8,800 से 9,000 का टारगेट उसमें देखने को मिल सकते हैं। जी रूपा जी, दर्शक हैं द्रुपद मेहता जी, जिनका सवाल चने को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि चने में कब तक तेजी देखने को मिल पाएगी, क्या आगे कोई चांस है साल 2022 की शुरुआत में जनवरी फरवरी या मार्च तक कि चने में कोई तेजी बनती नजर आए? देखिए अभी इतना लंबा भी बताना मार्च तक क्या रहेगा थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट हाँ अभी जो सिनेरियो है उसके चलते अभी मुझे नहीं लगता कि दालों में कोई तेजी बनेगी। अभी दालों में जो है वो सीमित दायरे में कारोबार आपको देखने को मिल सकता है, गिरावट भी नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन उठता हुआ मार्केट फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल लगातार सोयाबीन को लेकर आ रहा है। ये जानना चाह रहे हैं क्या ऐसा कोई चांसेस है अभी हाल फिलहाल में कि सोयाबीन 7,000 का भी लेवल दिखा दे इस गिरावट के बाद, हफ्ता डेढ़ हफ्ता या महीने भर के अंदर भी? देखिए बिल्कुल संभव है, 6,000 के ऊपर मार्केट अगर टिका रहा तो बिल्कुल आपको 7,000 का स्तर संभव है कि देखने को मिल सकता है। जी इससे रूपा जी, बात करें अगर खाद्य तेलों की, तो CPO, रिफाइंड सोया तेल, पामोलिन, इन सब में आपको क्या लगता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मूंगफली की आवकें भी अब मार्केट्स में लगातार बढ़ती नजर आ रही है, अगर डिमांड भी ज्यादा थी तो हमने आवकों का प्रेशर भी अब बढ़ते हुए देखा है, जिसकी वजह से मूंगफली के तेल तिलन में गिरावट दर्ज की गई है। उधर ऊपरी स्तरों पर बिकवाल नहीं हो रहा है, जो खरीदार है ऊपरी स्तर पर खरीदारी तो कर रहे हैं खाद्य तेलों की, लेकिन इतनी खरीदारी नहीं देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, क्या खाद्य तेलों का बाजार अभी ऐसा नरम वाला देखने को मिलता रहेगा, या फिर यहाँ पे डिमांड फैक्टर ज्यादा हावी हो जाएगा और खाद्य तेलों में तेजी बनेगी? देखिए अभी तो जो बाजार है अभी तो प्रेशर जो है वो बना हुआ है सभी एडिबल ऑयल पैक के अंदर, और देखिए अब ये तेजी को ना समझना होगा कि वैसी तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है जो पहले हमने देख ली एडिबल ऑयल पैक के अंदर, क्योंकि देखिए ये वही चीज तेल जो है रोजमर्रा की जरूरत है, तो इस वजह से आगे इलेक्शंस भी हैं, तो इन सबको अगर ध्यान में रखा जाए तो ना तो अभी दालों की कीमतें उठती हुई नजर आएंगी बहुत ज्यादा, और ना ही खाद्य तेलों में कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बाजार जरूर एक बार करेक्शन के बाद थोड़ा बहुत पॉजिटिव जा सकता है, क्योंकि ट्रेडर्स एक्टिविटी तो इसमें इन्वॉल्व रहेंगी, लेकिन प्राइजेस जो है बहुत ज्यादा अभी तेजी की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं दे सकते। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हैं बिल्कुल अभी अभी, मनोज छिंपा जी हैं जिनका सवाल आपसे है ग्वार का। ये जानना चाह रहे हैं कि ग्वार में तेजी कब तक बन सकती है, क्या यहाँ पे जो निचले स्तर हमने आते हुए देखे हैं यहाँ से कीमतों को कुछ सपोर्ट मिलेगा? क्योंकि रूपा जी हम देख रहे हैं कि फंडामेंटल्स तो सारे ग्वार के पॉजिटिव ही हैं, तो ग्वार में ये जो मंदी बनती नजर आ रही है इसमें भी जो ट्रेडर्स हैं वो थोड़े कंफ्यूज हो रखे हैं कि जब फंडामेंटल्स मजबूत हैं तो फिर एक नरमी वाला रुझान क्यों देखने को मिल रहा है,
अगर फंडामेंटल्स तेज हैं, जैसे कि प्रोडक्शन कम बताया जा रहा है, बुआई कम है और इंडस्ट्रियल डिमांड एक्सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, तो फिर ग्वार की कीमतों में मंदी क्यों आ रही है? अखिलेश जी देखिए, ग्वार के अंदर प्रोडक्शन कम के आंकड़े जरूर है, लेकिन आप स्टॉक कैरी ओवर स्टॉक को भी इसमें काउंट कीजिए। कैरी ओवर स्टॉक लोगों के पास बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। जब से ग्वार में हमने तेजी पहले देखी थी, जब प्राइजेस बहुत ज्यादा पीक पर गए थे, उसके बाद से लगातार करेक्शन में रहा मार्केट, और अब जाकर काफी दो तीन सालों के बाद हमें देखने को मिले हैं कि प्राइजेस को थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी आई है। तो इस बार सिर्फ इस बेस पे तेजी बनाई गई थी कि प्रोडक्शन के आंकड़े कम है, लेकिन अगर रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी देखी जाए, प्रोडक्शन इस बार जरूर कम है, लेकिन अगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इतना प्रोडक्शन है कि जिस मतलब कि जो प्राइसेस हैं वो इतने ज्यादा बूस्टअप नहीं हो सकते, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड्स अभी फिलहाल निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। पिछले दो साल से कोई भी बहुत ज्यादा मांग निकली नहीं है, और लगातार जो प्रोडक्शन होता है और स्टॉक जो फार्मर्स ने या फिर स्टॉकिस्ट ने या ट्रेडर्स ने उसको स्टॉक करके रखा हुआ है, क्योंकि इसको अभी तक यूज नहीं किया गया है। तो अगर हम इस आंकड़ों के ऊपर जाएंगे तो उस हिसाब से कोई तेजी बनती हुई दिखाई नहीं देती है, लेकिन हाँ, एक फिजिकल मार्केट के अंदर ट्रेडर्स एक्टिव हुए, बाइंग का जो ट्रेंड बना उसकी वजह से बाजारों में तेजी आई, और वो तेजी हमें देखने को भी मिली, और वो सस्टेनेबल भी है। अभी 10,000 तक के ऊपर जब तक है तब तक सस्टेनेबल है, और जैसे ही 10,000 का लेवल टूटेगा मुझे लगता है कि हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं आपको 9,500 से लेकर 9,000 का भी स्तर देखने को मिले, लेकिन अगर 10,000 के ऊपर सस्टेन रहा मार्केट और उसके बाद अगर बाइंग आई यहां से, तो फिर आपको वापस से वही यहां से 1,500 से 2,000 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। एज ऑफ नाउ फंडामेंटल का कोई बहुत ज्यादा यहां पे रोल प्ले होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ सौरभ सूर्यवंशी जी, जिनका सवाल मक्के को लेकर आ रहा है। ये जानना चाह रहे कि मक्के में आगे क्या भाव रहेंगे। रूपा जी, जैसे हम देख रहे हैं कि सोयाबीन की कीमतों में तेजी आई है हाजिर बाजारों के अंदर, और जब भी हम देखते हैं कि सोयाबीन की जब तेजी आती है तो कहीं ना कहीं मक्के का भी इस्तेमाल पोल्ट्री में ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मक्का एक एज अ ऑल्टरनेटिव यूज किया जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या पोल्ट्री में ऐसे समय में मक्के की डिमांड निकल सकती है पोल्ट्री इंडस्ट्री से, और क्या इसका इम्पैक्ट कहीं मक्के की कीमतों को पर पड़ता नजर आ सकता है, और किसान को कुछ अच्छे दाम मिलते नजर आ सकते हैं? देखिए, मक्के का प्रोडक्शन भी अच्छा खासा है, इसका कोई बहुत ज्यादा अभी फिलहाल असर आता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि देखिए सोयाबीन अगर हाँ यहाँ से अगर हमें वही 10,000-8,000 के ऊपर खड़ी हुई दिखाई देती लेवल्स होते तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि थोड़ा सा डाइवर्जन जो है वो कॉर्न की तरफ हो सकता है, लेकिन ऐसा अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि सोयाबीन के प्राइसेस भी अभी नीचे ही है, 6,000 के आसपास ही अभी हम इनको देख रहे हैं। वैसे भी जो तेजी आई वो 6,500 तक ही, मैक्सिमम 6,600 तक हमें देखने को मिली थी, तो बहुत ज्यादा नहीं। अगर हाँ यहाँ से सोयाबीन के प्राइसेस पिकअप बूस्ट ले जाते हैं और 8,000 से 10,000 की रेंज में चले जाते हैं तो डेफिनेटली हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसका इम्पैक्ट जो है कॉर्न के ऊपर आता हुआ दिखाई दे और कीमतों में तेजी बने, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी यहीं से रूपा जी, कुछ दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ जिनका सवाल लगातार राइस को लेकर आ रहा है, चावल को लेकर आ रहा है। रूपा जी, हमने देखा है कि जब से भारत में चावलों के अंदर खासकर भारत के चावल को GI टैग मिला है, और जो पेस्टिसाइड्स का जो यूज़ है, जो कीटनाशक का जो इस्तेमाल है चावलों में कम किया जाने लगा है, जिसकी वजह से अब चावल का एक्सपोर्ट भी बढ़ गया है, क्योंकि इससे पहले हम देखते थे कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी भारतीय चावल को रिजेक्ट कर देती थी ये बात कह के कि इसमें पेस्टिसाइड्स की जो मात्रा है वो ज़्यादा है। तो जिस हिसाब से अब GI टैग मिल चुका है, पेस्टिसाइड्स की मात्रा बहुत ही कम हो चुकी है, नाम मात्र है, तो क्या ऐसे में ज्यादा एक्सपोर्ट होने से चावल की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है आगे, और क्या स्टॉक करके चला जा सकता है? देखिए, अभी फिलहाल चावल में तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं होगी ऐसा एक्सपेक्टेड है। अगर ये एक्सपोर्ट अगर जिस तरीके से कोरोना का इम्पैक्ट आ रहा है और अगर फ्लाइट वगैरह बंद हो जाती है और इन सब चीजों पर बैन लग जाता है, लॉकडाउन की स्थिति बनती है, तो फिर निर्यात मांग वापस से जो है वो हैम्पर होते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो फिर चावल की कीमतें नीचे आती हुई दिखाई दे सकती है। ऑलरेडी प्राइसेस ऊपर आ चुके हैं, थोड़ा बहुत बाजार जो है अभी फिलहाल ऊपर जा सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए इसमें बाइंग की जो है वो रणनीति बनाई जा सकती है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हैं उमेश रजाना जी, जिनका सवाल लगातार खोपरा को लेकर आ रहा है, आपको क्या लगता है खोपरा में आगे कैसा रुझान रहेगा, मंदी रहेगी तेजी? देखिए, खोपरा के बारे में अभी हम यहाँ पर कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि हम उसको ट्रैक नहीं कर रहे हैं। जी रूपा जी, दर्शक है हिम्मत भाई जी, जिनका सवाल कैस्टर को लेकर आ रहा है, कैस्टर में क्या करें? देखिए, कैस्टर में अभी रेंज बाउंड है, अगर नीचे आता है तो वहां पर 200 पॉइंट के लिए आप बाइंग और सेलिंग में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक रेंज में लगातार हम इसको देख रहे हैं,
6400 के आसपास आए तो आप बाय कर सकते हैं और 6500-6550 के आसपास आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जी रूपा जी, आपसे जानना चाहेंगे आज इंट्राडे में वो कौन सी एग्री कमोडिटीज रहेंगी जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए मुझे तो फिलहाल यहाँ से लगता है कि बिनोला खल में आप बाइंग करके चल सकते हैं। बिनोला खल आने वाले दिनों में एक अच्छा मुनाफा देता हुआ दिखाई देता है। जी रूपा जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि अब ओमिक्रॉन वेरिएंट अब अपने धीरे धीरे पैर पसारता नजर आ रहा है और इसी का ही असर हमने हफ्ते बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन भी और कल के कारोबारी दिन भी देखा था, ऐसे में आपको क्या लगता है नए वेरिएंट का असर कम्युनिटी बाजार पर कितना देखने को मिल सकता है, चाहे एग्री कम्युनिटी हो चाहे नॉन एग्री कम्युनिटी? देखिए जहां तक नए वेरिएंट के इंपैक्ट की बात है कमोडिटी मार्केट के ऊपर, देखिए अगर ये फैलता है तो एक बार पैनिक के चलते सभी बाजार जो है वो करेक्शन में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, गिरावट आ सकती है, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो या फिर इक्विटी हो या फिर गोल्ड सिल्वर एनर्जी सेक्टर, सभी बाजार एक बार लुढ़कते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है वो कुछ एक कमोडिटीज हैं, जैसे कि आपको सोना और चांदी में अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। और इसके साथ साथ अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें तो इसमें मुझे लगता है कि कुछ एक कमोडिटीज ऐसी हो सकती है जिसके अंदर पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। आपको कॉटन की कीमतों में तेजी बन सकती है, राइस में तेजी बन सकती है, जो कुछ एक जो जरूरत की चीजें हैं उनमें थोड़ा सा हो सकता है कि स्टॉकिस्ट एक बार फिर से हावी होते हुए दिखाई दें, एडिबल ऑयल पैक में वापस से बाउंस बैक आ सकता है। तो कुछ एक कमोडिटीज ऐसी हैं जिनमें तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती हैं, लेकिन शुरुआती दौर में जैसे ही इंपैक्ट आता है तो सभी कमोडिटीज एक बार क्रैश भी होती हुई नजर आ सकती हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि आज कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, उस पर रूपा जी की क्या राय है। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएंगे नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।